अपन छात्रों आज का अच्छा नौ विज्ञान का जो अगला अध्याय जो है पादप उत्तक वाला है उसमें जो है मैं पहली वीडियो में आपको जो है उत्तक के जो वर्गीकरण को मैं बताया था कि उत्तक जो है कितने प्रकार के होते हैं, उसमें जो है उत्तकों को उत्तक की परिभाषा भी दिया था, ऐसी कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति संरचना और कार्य में समान हो उन्हें क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो आज जो है उत्तकों के डिवीजन में जो है सबसे ब्रॉड तौर पे डिवाइड किए थे, उत्तक दो प्रकार के होते हैं, विभाज्य उत्तक और अस्थायी उत्तक। विभाज्य उत्तक मतलब जिसमें जो है विभाजन होता है, अस्थायी उत्तक जिन उत्तकों में विभाजन नहीं होता उसे अस्थायी उत्तक। तो आज फर्स्ट में हम जो है विभाज्य उत्तक या मेरिस्टमैटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो विभाज्य उत्तक वे उत्तक होते हैं जिनकी कोशिकाओं में विभाजन सतत होता रहता है, सूत्री विभाजन होता है, मतलब एक कोशिका से दो कोशिका बनती है और उसमें जो है द्रव्य जो जनन द्रव्य होते हैं जिसके कारण जो है विभाजन होता है उसकी सांद्रता अधिक होती है। इनकी भित्ति जो है कोशिका भित्ति जो है पतली होती है, इसी कारण जो है इनमें विभाजन होता रहता है। ये जो है पौधों के जो है शीर्ष भाग में जैसे जो है ऊपर वाला भाग हो गया, पत्तियों में, फूलों में, जड़ों में पाए जाते हैं। तो इसमें जो है इन उत्तकों की उपस्थिति के आधार पर जो है इन्हें जो है मुख्य रूप से तीन भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक जिसे एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, जो यदि शूट का अध्ययन करें, तने का अध्ययन करें तो तने का जो सबसे शीर्ष वाला भाग होता है वहां पर जो शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक पाया जाता है। यहाँ की कोशिकाएं जो बहुत तेज रफ्तार से विभाजित होती हैं, अविभाजित होकर के अस्थायी उत्तक को नीचे की तरफ ढकेल दी जाती है और ऊपर की तरफ विभाजन होता रहता है। ये जो है शीर्ष भाग में पाई जाती है। यदि जड़ों में देखा जाए तो जड़ों का अंतिम छोर, फिर उसके बाद जो है दूसरा जो है अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक जिसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। ये जो है तने की जो गोलाई है चारों तरफ, जैसे ये जो है तना है सपोज है, इसके जो है देख रहे हैं ऐसे ऐसे लाइन की है, मतलब इसके गोलाई के चारों तरफ जो है अंतर्वेशी इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। इन्हीं मेरिस्टेम से जो है नई नई बड या कलिकाएं निकलती है, जैसे किसी तने के ऊपर देखिए कि नई शाखा निकल रही है। तो ये एपिकल इंटरकैलरी मेरिस्टेम के द्वारा ही वो नई शाखाएं उत्पन्न होती हैं। और फिर इसके बाद जो है इसके बीच में देखेंगे ऐसे लंबे लंबे उसके तने के जो है मोटाई के बीच में देखा जाए, जैसे ये बोल रहा है तो इसके बीच बीच में जो है जो उत्तक पाए जाते हैं, जैसे कैम्बियम हो गया, कार्प कैम्बियम एदा जिसे कहते हैं, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है द्वितीयक वृद्धि जिसके कारण वो मोटे होते हैं। तो ये जो ये लैटरल या पास विभाज्य उत्तक जो है एदा के एग्जाम्पल है, इसके कारण वो मोटा बनने में वृद्धि करते हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो विभाज्य उत्तक के बारे में पढ़े और इनसे संबंधित जो है ये फिगर है, ये नीचे लिखा पार्टी में विभाज्य उत्तक की स्थिति, ये तीनों स्थिति आपको स्पष्ट हो गई। आज की वीडियो बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में आगे टॉपिक अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।